वहीं उत्तराखंड की चार धाम यात्रा का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर है। उनका ये इंतजार अब खत्म होने वाला है। कल 10 मई को अक्षय तृतीया के दिन सुबह 7 बजे केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। साथ ही गंगोत्री और यमुनोत्री धाम कपाट भी 10 मई को ही खोले जाएंगे। हालांकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई 2024 को सुबह 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त में खोले जाएंगे। इसके बाद श्रद्धालु उत्तराखंड के चार धाम की यात्रा कर सकते हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तैयारियां अब जोरों पर चल रही हैं और मंदिर को 40 कुंटल फूलों से भी सजाया जा रहा है। 10 मई को पूजा अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ केदारनाथ धाम के कपाट को भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। बता दें कि बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री और यमुनोत्री देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड के चार धाम कहलाते हैं और हर साल देश भर से तीर्थयात्री यहाँ श्रद्धा भाव के साथ पहुंचते हैं। मैं रहने वाला बिहार का हूँ। मैं कलकत्ता से मैंने ये सफ़र स्टार्ट किया था, तो मैं अभी केदारनाथ जा रहा हूँ और केदारनाथ दर्शन करने के बाद मैं पंच कैलाश करने वाला हूँ, जिसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है अभी। तो पहले इसीलिए 10 तारीख को मंदिर खुल रहा है, तो सोचा है कि 10 तारीख तक पहुँच जाऊँ मंदिर, बाबा का दर्शन कर लूँ, फिर आगे की तरफ सफ़र बढ़ाऊँगा। कितने किलोमीटर तय कर चुके हैं? करीबन 2000 किलोमीटर के आसपास मैंने तय कर चुका। अभी से करीबन 4 महीने पहले मैंने ये यात्रा शुरू करी थी फरवरी महीने में और अभी तक लगातार चल रही है। हम ये कहना चाहेंगे कि सभी यात्रियों की यात्रा सुखद हो, सुरक्षित हो। सब वाहन चालक है वो सड़क सुरक्षा के जो नियम है उनका पालन करें और यात्रियों से मेरा अनुरोध है कि उत्तराखंड एक बहुत ही पारिस्थितिकी के रूप से सेंसिटिव स्टेट है, तो सब वहाँ पर प्रदूषण ना फैलाएं और वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन के नियम है उनका पालन करें, यही मेरा कहना है। और हम उनको यात्रा के लिए शुभकामनाएं देते हैं। आप सभी की यात्रा शुभ। हमने प्रभु से सबकी सुखद यात्रा मंगल कामनाओं के साथ भगवान से प्रार्थना की है कि यात्रा सुखद और शांतिपूर्वक चले, किसी भी यात्री को कोई परेशानी ना हो। हम सरकार से ये कहना चाहेंगे, जैसे पूर्व में उन्होंने पंजीकरण से लिमिट हटाई थी उस टाइम भी ये समस्याएं आई थी, तो हमारे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी ने उसमें हमारे को विशेष योगदान देके तुरंत उसको इस नियम को हटा दिया था कि इसमें कोई लिमिटेशन लगेगी, और यात्रा में कोई लिमिटेशन होनी ही नहीं चाहिए। और ये सरकार का प्रयास होना चाहिए कि भी जो यात्री हरिद्वार में या ऋषिकेश में यात्रा करने के उद्देश्य से आया है उसको यात्रा करवाने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। उसमें लिमिट ख़त्म होने के कारण तो कल से यात्रा में इन्होंने हरिद्वार से सिर्फ मात्र 500 आदमियों के लिए पंजीकरण की सुविधा दी है, जो कि शून्य के बराबर है। और हमारी ये शासन प्रशासन से प्रार्थना है कि इस लिमिटेशन को हटाया जाए जिससे यात्री को परेशानी ना हो। और सवेरे का यात्री 3 बजे का लाइन में लगा हुआ है, अब तक उसका नंबर नहीं आया और मात्र केवल 2 आदमी पंजीकरण फोन पे कर रहे हैं। शुक्रिया। लेकिन कि 2024 यात्रा के अंतर्गत हमारी 9 हेली कंपनीज मतलब 8 हेली कंपनीज हैं, जिसमें एक कंपनी को 2 जगह से संचालन का प्राप्त हुआ है, जिसमें ट्रांस भारत एविएशन को फाटा और गुप्तकाशी से ऑपरेट करना है। बाकी गुप्तकाशी में 2 कंपनीज, फाटा में 4 और सिरसी में 3 कंपनीज द्वारा ऑपरेशन किया जाएगा। अभी तक जो जनरल टिकट्स हैं हायर CTC के माध्यम से मई और जून दोनों माह के लिए व सितंबर व अक्टूबर दोनों माह के लिए पूरे रूप से बुक हो चुके हैं। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश जी, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज होने वाला है, उसको लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। क्या लगता है कि इस बार श्रद्धालुओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, यहाँ पे लगातार जिस तरीके से चारधाम यात्रा की बात करें, पूरे देश के साथ साथ जो है यहाँ पर जो है अगर बात की जाए तो विदेशों से भी जो है यहाँ पे जो श्रद्धालु है वो दर्शन के लिए आते हैं और ये सबसे बड़ी जो यात्रा कही जाती है उत्तराखंड की, और इसको लेके पूरी तरीके से सरकार की जो है यहाँ पे ये देखा जाए तो ये चुनौतीपूर्ण जो है यात्रा होती है। इस यात्रा को पूरी तरीके से जो है यहाँ पर सही सलामत करने के लिए पूरा प्रशासन से लेके शासन तक पूरी तरीके से यहाँ पे इससे जुटा हुआ होता है, और इसको लेके पूरी तरीके से देखा जाए तो पुष्कर सिंह धामी भी जो है खुद मॉनिटरिंग करते रहे, जो मुख्य जो सूबे की जो है मुख्य चीफ है वो चीफ सेक्रेटरी है वो भी वहां पे मौके पर निरीक्षण करने के लिए पहुंची गई थी। तमाम चीजों को लेके अब जो ये चारधाम यात्रा है कल इसका आगाज होने जा रहा है। बाबा पंचमुखी की जो डोली है वो वहां पर पहुंच गई है और कल जो है विधिवत रूप से वहां पर पूजा अर्चना के बाद जो है कपाट खुल जाएंगे। इसको लेके प्रशासन ने पहले ही जो है यहाँ पे चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात हो, परिवहन विभाग की बात हो, तमाम लोगों को जो है दिशा निर्देश दे रखे थे, अलर्ट मोड पे यहाँ पे सबको रखा हुआ है कि कोई भी जो आने वाले श्रद्धालु हैं
उनको कोई भी यहाँ पे परेशानी ना हो, और खास करके बात करें जो बुजुर्ग लोग आते हैं उनको स्वास्थ्य में कोई परेशानी ना हो, पहले यहाँ पे उनके रजिस्ट्रेशन सेंटर पे गया है, वो परीक्षण कराया जा रहा है और उनके स्वास्थ्य का सर्टिफिकेट भी उनको यात्रा के लिए परमिशन दी जा रही है। जी आकांक्षा जी, अवनीश जिस तरीके से बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो किस तरीके से मंदिर को सजाया जा रहा है, क्योंकि लोग एक साल से इंतजार करते हैं इस यात्रा का और बेहद ही खूबसूरत घड़ी है और कल से इस यात्रा का भी आगाज हो जाएगा, तो मंदिरों को किस तरीके से सजाया जा रहा है? बिल्कुल देखिए आकांक्षा, यहाँ पे जो है पूरी तरीके से जो है फूलों से जो है बाबा केदारनाथ के जो है धाम को सजाया गया है, क्योंकि आज जो है गंगोत्री के भी यहाँ पे कपाट खुलने वाले हैं, उसके लिए भी जो है पूरे फूलों के साथ यहाँ पे गया। और कल सबसे बड़ी जो देखने वाली बात होगी वो जो है जिस तरीके से जब कपाट खुलेंगे तो जय घोष के नारों के साथ जो तमाम श्रद्धालु है वहां पे मौके पे उपस्थित रहेंगे और जो हेलीकॉप्टर से पुष्प की वर्षा की जाएगी वो अपने में देखने वाली बात होगी। और आज जो है बाकायदा यात्रा का जो है विधिवत जो है उद्घाटन कर दिया गया है, ऋषिकेश से जो वित्त मंत्री है प्रेमचंद अग्रवाल, उन्होंने बाकायदा जो है 135 बसों को यहाँ पे रवाना कर दिया है, जिसके अंदर 4050 जो यात्री है वो वहां से रवाना हो चुके हैं और कल जो है यात्रा के टाइम पे वो वहां पे पहुंच जाएंगे। जी वही अवनीश, यात्रा को लेकर पंजीकरण भी लगातार जारी है, अभी लाखों की संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे थे, तो इस बार क्या कुछ अंतर सामने आएगा? बिल्कुल देखिए आकांक्षा, यहाँ पे बकाया ये आस्था का पर्व कहा जा सकता है और दूर दराज से लोग यहाँ पे श्रद्धालु जो होते हैं वो यहाँ पर देखने के लिए यात्रा करने के लिए आते हैं, अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए बाबा के दर्शन में हाजिरी लगाते हैं। उसको लेकर सरकार की ओर से पहले जिस तरीके से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात की गई थी तो लगभग 22 लाख के ऊपर जो है वो रजिस्ट्रेशन हो चुके थे और सरकार का कहना था कि जिस तरीके से पिछले साल लगभग 54 लाख के करीब का आंकड़ा पहुंचा था, इस बार जो है 1 करोड़ से ज्यादा जो है श्रद्धालु आने की उम्मीद है। और जिस तरीके से अभी ऑफलाइन भी यहाँ पर जो है वो रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है ऋषिकेश और हरिद्वार के अंदर, उसमें यहाँ पे लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो अपने रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे जो है लाइन लगा के खड़े हैं और उनका कहना था कि कुछ भी हो जाए बाबा के दर्शन वो जरूर करेंगे। तो इस बार जो है सरकार का जो मंतव्य है वो 1 करोड़ के करीब यहाँ पे कयास लगा जा रहे हैं कि जो इस बार श्रद्धालु होंगे वो 1 करोड़ से ऊपर यहाँ पे जरूर पहुंच सकते हैं। जी वही अवनीश जी, चारधाम यात्रा को लेकर लगातार बड़ी बड़ी बैठकें की जा रही थी और खुद उनको की अध्यक्षता करते हुए नजर आए, तो क्या लगता है कि इस बार सुरक्षा को लेकर मुख्य गाइडलाइंस क्या रखी गई है? जी देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात मुस्कान, चारधाम यात्रा में पिछली बार जिस तरीके से देखा जाए तो जो बुजुर्ग लोग होते थे वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो है उनको हार्ट अटैक हो गया था और ये जो है सरकार के लिए थोड़ा सा चुनौती दर्द था, उसको लेके इस बार जो है कोई भी सरकार जो है यहाँ पे जो है पूरी तरीके से मुस्तैद है, कोई कोताही बरतने के लिए यहाँ पर जो है जितने भी जो अफसर है उनको पूरा दिशा निर्देश दिया गया कि कोई लापरवाही है यहाँ पे बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खुद मुख्यमंत्री और जो चीफ सेक्रेटरी है वो लगातार इसके लिए कवायद करने में लगे हुए हैं, लगातार वहाँ पे स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं और कैंप जो होंगे जो स्वास्थ्य कैंप है वो हर 10-15 मीटर की दूरी पर जो है स्वास्थ्य कैंप लगाए गए हैं, डॉक्टरों की तैनाती की गई है, एम्बुलेंस की सुविधा है और रोड को जो है पूरी तरीके से साफ सुथरा कर दिया गया है। जो पैचवर्क की बात थी वो पूरी तरीके से कर दी गई है, बैरिकेडिंग लगाई गई है कि किसी तरीके से जो यात्रियों को आवागमन के चक्कर में यहाँ पे कोई भी परेशानी ना हो, ये तमाम चीजों को लेकर पुष्कर सिंह धामी इस बार खुद जो है स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। जी ठीक है अवनीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। उत्तराखंड में कल से चारधाम यात्रा का आगाज होता हुआ नजर आएगा और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से केदारनाथ धाम में मंदिरों को सजाया जा रहा है और लगातार सुरक्षा को लेकर भी सरकार की ओर से पुख्ता इंतजाम की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि कल सुबह 7 बजे बाबा केदारनाथ के कपाट और लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचेंगे और भगवान के दर्शन करते हुए भी नजर आएंगे।